आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। सो गाइस, आजकल क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब गाइस, कुछ लोगों ने जो कंपनी होती है ना गेम्स की कंपनी को, वो अपने बाप समझ के रखे। मतलब गाइस, कुछ लोगों ने गेम की कंपनी को अपना बाप समझ के रखे। मतलब कि ये प्रूफ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। मैंने देखा कि 2-3 दिन से प्रूफ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस पर लोग बोल रहे हैं कि इसका एक न्यू अपडेट आ गया है। 3 फरवरी को इसका अपडेट आ गया, उसका ना जो फीचर्स दिख रहे हैं यहाँ पर वो अपडेट आया है। लेकिन गाइस, आज की तो 7 फरवरी है, मुझे तो अभी तक अपडेट नहीं मिला यार। मेरे को लगता है ना, ये जो अपडेट जिसको भी मिला होगा ना, मेरे को लगता है उनका कुछ ज़्यादा ही पर्सनल कॉन्टेक्ट है कंपनी के साथ, है ना। तो यार नहीं, ये जो प्रूफ है ना यार, ये क्या एडिट करा हुआ प्रूफ है। और अगर मैं बोल रहा हूँ ना, ये जिसने भी एडिट किया ना, वो अगर मेरे हाथ लगा ना एक बार, तो उसका पूरा ढज्जा उड़ा दूंगा अभी। तो यार मैं देखो यार, अभी बात करने वाले इस प्रूफ के बारे में कि ये रियल है या फेक। लेकिन गाइस, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ये प्रूफ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत लोग इस पर वीडियोस भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये प्रूफ एक बिल्कुल ही तरह से फेक प्रूफ है और ये कोई मतलब के इंसान के बच्चे ने एडिट किया है। मतलब कि ये कोई हैवान के बच्चे ने एडिट नहीं किया, लेकिन इंसान के बच्चे ने एडिट किया। लेकिन ये एडिट किया है, जैसा कि इसको ये लगा है कि ये प्रूफ फेक प्रूफ बनाकर ये वायरल हो जाएगा, या फिर ये सोचेगा कि जो लोग हैं इनको पागल बनाएगा। तो गाइस देखिए यार, सबसे पहले तो इस प्रूफ का गाइस देखिए आप यहाँ पर इसके फॉन्ट इन्हें ऐसा लिखा है, मतलब कि इसको तो गाइस गांधी जी का चश्मा पहनकर इसको फॉन्ट को देखना पड़ेगा। उसका गाइस इन्हें लेटेस्ट अपडेट का एल को बड़ा लिखा है, बाद में अपडेट ऑफ फरवरी को सब कुछ इन्हें छोटा लिखा, और गाइस इन्हें 3 और 2021 को एकदम मिलाकर लिखा है। जबकि गाइस आपने सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपने रियल प्रूफ है गाइस, रियल जो है गाइस स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे गाइस, वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस के साथ लिखा हुआ है। और गाइस इसने गाइस देखे यहां पर लिखा है ब्रांड न्यू 5 स्टेडियम। हाँ गाइस, इसके बाप का माल लगा है। पहले तो इतने ज्यादा स्टेडियम यहां पर कंपनी ने देकर रखी है और 5 न्यू स्टेडियम भी ला रहा है। मतलब कि कुछ भी लिखता है। उसके बाद गाइस देखिए, इसके नीचे 11 vs 11 मल्टीप्लेयर। ओके भाई, मतलब मुझे लगता है इसके गली मोहल्ले के सबके बच्चों को भी खेलने लगाने वाले इस गेम के अंदर। 11 vs 11 कौन सा मल्टीप्लेयर है भाई, सब लोगों को पता है एक टीम में 11 ही खिलाड़ी होती है, ये क्यों यहाँ पर लिख कर बताया। उसके बाद न्यू फील्डिंग एनिमेशन। अच्छा, भाई मुझे तो लगता है अभी फील्डिंग में न्यू एनिमेशन में किसी को सुलाकर फील्डिंग करने वाला है, किसी को नाच कर फील्डिंग कराने वाला है। तो बापा तेरे के बाप का माल लग गया है कि कोई भी कुछ भी फील्डिंग का एनिमेशन कहाँ से आ जाएगी। फील्डिंग एनिमेशन कौन से आती है, फील्डिंग आती है मतलब क्या, एनिमेशन इन्हें क्या लिखा है। मतलब न्यू फील्डिंग लिखना चाहिए था, न्यू एनिमेशन लिखना चाहिए था। फील्डिंग एनिमेशन का मतलब क्या मतलब है, मतलब कि कोई खिलाड़ी क्या नाच कर बॉल फेंकेगा या नाच कर थ्रो मारेगा। उसके बाद कि इन्हें लिखा है कि उसके बाद 90+ बैटिंग शॉट। ओ माय गॉड, 90+ बैटिंग शॉट, मुझे लगता है यार पूरे दुनिया के बैट्समैन के शॉट इसके अंदर ही भरना चाहता है गेम के अंदर। मतलब कि ये क्या है। और उसके नीचे कहीं इन्हें डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या लिखा, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, बराबर दिख नहीं रहा। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये यूट्यूब के जैसे ही वीडियो डाल रहा था, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख देना था इसके बारे में कि इतना आने वाला है। तो गाइस देखो यार, मैं बोल रहा हूँ अगर ये काम अगर टकलो सर्जिल का होगा ना गाइस, तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला यार। देखो इसको भी यार कोई, ये जिसने एडिट किया ना यार, मुझे लगता है उसकी इस पर भी मतलब के असर हो गया है। मतलब कि वो तो एक पागल है, लेकिन ये भी दूसरों को एक कोई नया आ गया है पागल बनाने को उसके तरह। नहीं गाइस, अब मुझे पता चला ये क्या बात है। देखो आप सभी को पता होगा ना, जैसे नेक्स्ट मल्टीमीडिया वालों ने टकलो फर्जील को मतलब गोद लेकर रखा है, मतलब उसको कॉल करके बताती है कि बेटा ये अपडेट आने वाला है, तू भोंकना चालू कर दे। तो उसी तरह गाइस मुझे लगता है नेटोरस मोबाइल ने भी ये तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। कोई उनका भी कुत्ता पाल के रखा है, कोई चमचा पाल के रखा है, जो कि पहले ही आपको बता देता है कि अपडेट ये आने वाला है, ये आने वाला है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी प्रूफ एडिट किया ना, एक बार मेरे हाथ लग जाए। अगर तू जो भी अगर ये वीडियो भी देख रहा हो ना, एक बार कमेंट कर दे मेरे को, तूने ये प्रूफ एडिट करा है ना, मैं तेरे को पूरे ढज्जे उड़ाता हूँ। कैसा तूने प्रूफ एडिट किया ना, इसके बाद प्रूफ एडिट करना ही भूल जाएगा। अगर तेरे को टकलो फर्जील के अगर तेरे पर कोई असर हुआ होगा, तो बेटा उससे निपट ले, नहीं तो उसका जो हाल किया था ना, उससे डबल का हाल तेरा भी कर दूंगा। अगर ये प्रूफ अगर टेक्नो फर्जील ने अगर एडिट किया होगा, आप लोग पता लगाइए किसने एडिट किया, तो मैं तो उसको डबल ट्रिपल की उससे बेइज्जती कर दूंगा। जितनी पहले ने किया था उससे ज़्यादा कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और गाइस ऐसे प्रूफ पर यकीन मत करा करिए, सब कुछ फेक प्रूफ है। बाय बाय।